हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स, स्कूपर्स, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि उनके एक इनसाइड सोर्सेज हैं हर जगह, और पर्दे के पीछे से उनके लिए खबर निकल के आती है, और कई सारी रिपोर्ट्स ये लोग देते रहते हैं कि अंदर से न्यूज़ निकल के आई, अंदर से न्यूज़ निकल के आई। और जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स था हमारा पिछला वाला, जो फ्लैश मूवी के साथ एंड हो गया जिसका, तो उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने में भी इन स्कूपर्स का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ ये फैलाते थे, जिसकी वजह से मूवी इफेक्ट होती थी। आगे जाके पता चलता था कि भैया ये स्कूप सरासर झूठ था। तो जेम्स गन जो हैं डीसी स्टूडियोज़ के नए हेड, शायद उन्होंने इन स्कूपर्स से निपटने के लिए एक ट्रिक निकाल ली है। जी हाँ गाइज, जेम्स गन ने बहुत अच्छे तरीके से इन स्कूपर्स को बेवकूफ़ बनाया है, और एक नहीं दो बार। तो आपको याद होगा एक रिपोर्ट निकल के आई थी काफ़ी हफ्तों पहले कि द अथॉरिटी की जो टीम है वो अपियर हो सकती है सुपरमैन लेगेसी में, लेकिन बाद में जब रियल ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आई तो ये पता चला कि भैया जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स, जैसे हॉक गर्ल हो गई, या मिस्टर टेरिफिक हो गया, या मेटामॉर्फो हो गया, ये लोग दरअसल सुपरमैन लेगेसी में नज़र आएंगे, द अथॉरिटी नज़र नहीं आएगी। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये जो अथॉरिटी की न्यूज़ थी कि अथॉरिटी अपियर हो सकती है सुपरमैन लेगेसी में, ये दरअसल जेम्स गन ने खुद ये फेक न्यूज़ फैलवाई थी एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे, कि स्कूपर्स और बाकी क्रिटिक ब्लॉगर इस तरफ बात करते रहें, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की, वो जेम्स गन खुद अनाउंस कर दें। तो कुछ लोग कहना है कि इस तरीके से जेम्स गन ने बेवकूफ़ बनाया स्कूपर्स को, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी जेम्स गन ने स्कूपर्स को बेवकूफ़ बनाया है। आपको याद होगा जब ये कंफर्म हो गया था कि डेविड कॉर्नस्वेंट ही सुपरमैन बनेंगे, लेकिन लुइस लेन के रोल के तौर पे एमा मैकी का नाम निकल के आ रहा था। इनफैक्ट जब सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ था तो एमा मैकी को ही सिर्फ इन्वाइट किया गया था लुइस लेन के ऑडिशन के लिए। तो स्कूपर्स भी ये कहने लगे थे कि हाँ, उनके इनसाइड सोर्स से ये खबर निकल के आ रही है कि एमा मैकी कंफर्म हो गई है लुइस लेन के तौर पे, लेकिन दरअसल वो भी एक डिस्ट्रैक्शन था। जेम्स गन पहले ही लुइस लेन को चुन चुके थे जो एक्ट्रेस लुइस लेन को प्ले करेंगी, सिर्फ एमा मैकी का नाम सामने निकल के आया था एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे। और हम जानते हैं एमा मैकी लुइस लेन का रोल प्ले नहीं कर रही हैं। तो ये जो ट्रिक निकाली है जेम्स गन ने गाइस, सच में बहुत अच्छा दिमाग इन्होंने लगाया है, और ऐसे ही हेड की ज़रूरत भी है डीसी स्टूडियोज़ को, क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इन स्कूपर्स की फेक न्यूज़ की वजह से ही हुआ है। आपको याद होगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जब रिलीज़ होने वाली थी, अगर आप उस वक्त सोशल मीडिया से जुड़े थे तो आपको याद होगा कि कोई मीटिंग हुई कहीं, वहाँ हेनरी कैवल नहीं पहुँच पाए या बेन एफ्लिक नहीं पहुँच पाए किसी वजह से, तो ये फेक न्यूज़ फैलाने लग जाते थे कि इनका झगड़ा है जैक स्नाइडर से, या इनका झगड़ा है वार्नर ब्रदर्स से, दिस मूवी इज इन ट्रबल, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इज इन ट्रबल, और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई, पब्लिक के दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भरी गई कि एक नेगेटिव इमेज ही बन गई पूरी मूवी की रिलीज से पहले ही। तो डीसी स्टूडियोज जो नया हमारा है, डीसी यूनिवर्स जो स्टार्ट होने वाला है, तो हमको एक ऐसे स्टूडियो हेड की ज़रूरत है जो इस तरीके से फेक न्यूज़ पे एक तरीके से रोक लगा के रखे। और दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं एसाबेला मर्ग जो है वो हॉक गर्ल का रोल प्ले करेंगी, और मैंने आपको बताया था कि दो हॉक गर्ल हमको डीसी कॉमिक्स में दिखती हैं, एक है शौरा हल और दूसरी है केंड्रा सॉन्डर्स। तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एसाबेला मर्ग जो है वो हमारी केंड्रा सॉन्डर्स की हॉक गर्ल का रोल प्ले करेंगी। और एक न्यूज़ तो आप जानते ही हैं कि एंथोनी कैरिगन मेटामॉर्फो का रोल प्ले करेंगे। मेटामॉर्फो की ओरिजिन्स पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बाद में बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फो के पास ये पावर्स हैं कि वो अपनी बॉडी को मैटर की किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता है, और किसी भी एलिमेंट में चेंज कर सकता है अपनी बॉडी पार्ट्स को। इनफैक्ट वो अपनी बॉडी को गाइस क्रिप्टोनाइट में भी चेंज कर सकता है, और क्रिप्टोनाइट हम जानते हैं हमारे सुपरमैन की कमजोरी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे सुपरमैन लेगेसी में इन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। तो यही कुछ अपडेट थी, और गाइस क्या आपको खुशी है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली ट्रिक निकाली है जेम्स गन ने, इससे स्कूपर्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।